हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल में जो वीडियोस के माध्यम से रेकी हीलिंग और एस्ट्रोलॉजी काउंसलिंग के बारे में जो जो या जो केसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग इसका साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बातें करते हैं या हम इसके फैक्ट्स के बारे में बातें करते हैं। हम अंधविश्वास से बहुत दूर हैं, हम नेगेटिविटी से बहुत दूर हैं। हम ये जानते हैं कि हम पॉजिटिव वे में कोई काम या पॉजिटिव काम को कैसे करके हम अपना या दूसरों का भला कर सकते हैं, और यही चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं। कहीं भी हम लोग नेगेटिव फैक्ट्स या कुछ चीज़ों के बारे में कोई डिस्कस नहीं करते हैं या कोई नेगेटिव बातों के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी किस तरह से लाइफ में यूजफुल है और सदियों से हजारों सालों से उसके जो खोज की गई वो हमारे पूर्वजों ने हमारे भले के लिए की थी, और क्या पर्पस था उनका और वो किस कितनी सटीक क्यों है। जैसे आप समझिए कि बोला जाता है कि सूर्यास्त के समय हमें खाना नहीं खाना चाहिए या कोई ऐसे काम जो अच्छे काम है जो नहीं करना चाहिए, उस समय दिया लगाना चाहिए। तो दिया क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिविटी, हमें लाइट, हम जो उसको लाइट को हम आराधना करते हैं उस समय। और खाना इसलिए नहीं खाते क्योंकि जब भी ये ट्रांजिशन होते हैं तो कुछ गैसेस निकलती हैं, नेगेटिविटी आती है एनवायरनमेंट में, तो हम उसको क्लीन करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। और उस समय भोजन वगैरह ऐसी चीज़ें जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस ज़्यादा, वेरिएशन ज़्यादा आए, तो उसको रोकने के लिए उस समय भोजन नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जिनको अगर हम जानते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और एस्ट्रोलॉजी और रेकी हीलिंग जो है बहुत पॉजिटिव काम है, बहुत ही अच्छा काम है, और इसकी मदद से आप अपना और दूसरों का भला ही कर सकते हैं। इसके लिए पूरा बुरी सोच की आवश्यकता नहीं है और बुरा सोच से काम किया भी नहीं जाता। और हम जैसे रेकी केसेस के बारे में जो बातें हम किए उसमें जैसे कि रेकी टच हीलिंग है, टच करके रेकी एनर्जी दी जाती है, और रेकी हीलर जो है वो एक चैनल का काम करता है जो यूनिवर्स की एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा करके एकत्रित करके वो पेशेंट्स को या जिस भी व्यक्ति को जो ऑब्जेक्टिव है उस पर्पज़ के लिए वो रेकी हीलिंग उसमें देते हैं, उस व्यक्ति को देते हैं। और रेकी हीलिंग कैसे दी जाती है, तो ये टच करके दी जाती है, और डिस्टेंस हीलिंग भी दी जाती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ से मुंबई में भी दे सकता हूँ, मुंबई से या दिल्ली या अमेरिका में भी कोई सिटी में, यूके में कोई सिटी में मैं दे सकता हूँ। तो और किसी समय भी दी जा सकती, किसी स्थान से किसी स्थान में दी जा सकती, तो इसका बहुत सारे बेनिफिट है रेकी हीलिंग के। और रेकी हीलिंग एक पॉजिटिव एनर्जी है तो हम उसको पॉजिटिव वे में ही काम करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ की रेकी हीलिंग जो है रूट कॉज तक जाती है, कि हमें एक रूट कॉज उसका जो मूल कारण है वो हमें रेकी एनर्जी जब हम देते हैं तो वो हमें पता चलता है। भले वो पेशेंट को बताना भूल गया हो या वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया हो या डिस्कशन नहीं हो पाया हो जैसे, तो भी वो चीज़ें रेकी के दौरान निकलती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम पहले से रही है क्या, ये कष्ट हुआ है क्या आपको, और क्या आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस की है लाइफ में पास्ट में। या कई बार इवन ये सब कैसे पता चले कि कोई पास्ट लाइफ की बातें निकल करके आती हैं कि आपको इस पास्ट लाइफ की ऐसी कोई, वो व्यक्ति को कुछ दिखाई देता है कि पास्ट लाइफ में ऐसी कोई घटना होती। और जब हम रेकी हीलिंग फिर वो पता होने के बाद में जो देते हैं तो उससे व्यक्ति को जो है वो काफ़ी आसानी से उस प्रॉब्लम में जो वर्तमान में वो झेल रहा है, प्रेजेंट समय में जो वो प्रॉब्लम को झेल रहा है, उससे निकलने में उसको काफ़ी आराम मिलता, आसानी होती है, आराम मिलता है। और कई बार ये साइकोलॉजिकल जो चेंजेस जो महसूस कर रहा है या जो परेशानियों को झेल रहा है उन चीज़ों से निकलने में उसे बहुत आसानी होती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े कुछ साइकोलॉजिकल जैसे ट्रॉमास जो हैं या कोई बहुत बड़े कोई डिसऑर्डर में है कोई है, पर वो पुरानी कोई बात के निकलने के बाद वो काफ़ी आसानी से उसमें ठीक हो पाए। और रेकी हीलिंग का पर्पज़ क्या हो सकता है, जैसे हम देखें तो हेल्थ के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए, या मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए या लव लाइफ हो अच्छी हो, रिलेशनशिप के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, कहीं भी हम उस पॉजिटिव एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हमारे वेबसाइट पर पिछले 5 सालों से रेकी हीलिंग की सर्विस फ्री दे रहे हैं, तो आप जो है दो क्वेश्चन आप जो जैसे एस्ट्रोलॉजी वाला है कि दो क्वेश्चन आप फ्री पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, और पत्रिका में भी दो सवाल जो हैं जो एस्ट्रोलॉजी का जो है दो सवाल वाला है आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, और रेकी हीलिंग भी अपने ऑब्जेक्टिव के लिए ले सकते हैं। जो भी ग्रुप हीलिंग है वो फ्री है, तो आप अपना डिटेल भेज करके वो ले सकते हैं।
और दूसरा है कि मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, तो आप और कमेंट में जो डालना चाहें, बताना चाहें कि किस सब्जेक्ट पर और बनाया जाए, या जो आप क्वेरीज हैं तो उस पर भी काम कर सकते हैं कि वो वीडियोस हम बनाएं और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है हम वो कर सकें। और आज का जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ वो केस है कि एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास आई थी और उनको कोई ये केस एक्चुअली देखी हीलिंग और एस्ट्रोलॉजी दोनों का ही केस है। तो वो मेरे पास जो आई थी वो पत्रिका दिखाने के लिए आई थी, और पत्रिका दिखाने आई थी तो अपने हस्बैंड और खुद की पत्रिका दिखाने के लिए आई थी कि उनको बच्चा नहीं हो रहा था, कई शादी को 3-4 साल हो गए और बच्चा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने कई लोगों को पत्रिका दिखाई है और ये बहुत नेगेटिव बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर भी कि आपको नहीं होगा। तो मैंने कहा हो सकता है कि कोई ऐसा कुछ योग हो, सच बोल रहे हो कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है, बट हम उसे देखें। तो फिर हम लोगों ने फिर से हॉरोस्कोप देखा उनका भी, उनके हस्बैंड का भी। तो निकल के आया कि कुछ ऐसे योग हैं कि थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, पर ऐसा कोई डिनाइल वाली बात नहीं। आप अपने रेमेडीज अच्छे रेमेडीज करेंगे, अच्छे जो है अच्छी भाषा यूज़ करेंगे, अच्छे विचार शक्ति रखेंगे, ये जो हम मन वचन कर्म की बात करते हैं वो रखेंगे तो आपको फ़ायदा होना ही है। और आपके हस्बैंड की अगर इससे ऐसा व्यवहार अपना अच्छा रखेंगे तो आपको लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, यही एस्ट्रोलॉजी का सजेशन रहता है। तो हमने उनको रेमेडीज बताई और फिर जो है सेकेंडली उनको उसी दिन क्या हुआ कि उनको हेडेक हो रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रेकी हीलिंग करते तो रेकी हीलिंग से क्या बेनिफिट होता है। तो मैंने जस्ट उनको एक इंट्रोडक्शन दिया रेकी हीलिंग के बारे में कि रेकी हीलिंग क्या चीज़ है और किस तरह से बेनिफिशियल होती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे रेकी हीलिंग लेनी है और देखना है कि मुझे कैसा आहा मिलता है। जब मैंने उनको रेकी हीलिंग दी तो करीब हमने जो है जो आधे घंटे का सेशन था, तो मैंने उनको रेकी हीलिंग दी तो वो जो हेडेक हो रहा था उनका, उन्होंने जस्ट 10 मिनट के बाद में, सेशन होने के बाद में बताया कि उनका जो दर्द है वो खत्म हो गया। तो उनको जो बेनिफिट हुआ उससे उनका एक ट्रस्ट लेवल हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे रेगुलर रेकी दीजिए। तो उन्होंने हेडेक के लिए फिर वो 7 डेज तक रेकी ली और वो उनको बेनिफिट होता था। अभी वो रेमेडीज चली गई उनकी, जो मैरिड लाइफ में जो उनको प्रॉब्लम था बच्चा नहीं था तो वो रेमेडीज वो कर ही नहीं है अभी, अभी कुछ ही दिनों का पुराना ही केस है। तो इस तरह से जो है कि जो एस्ट्रोलॉजी से हमने जो निकाला कि वो क्रॉस चेक किया हमने कि जो प्रेडिक्शन दिए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई, तो वो सब चीज़ें सही निकली। और बहुत सारे पर्सनल बातें उनकी निकल करके आई जो कि ये जो सही हुई तो सर हमने क्रॉस चेक किया, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। और फिर देखिए हीलिंग के दौरान जब उनको बेनिफिट हुआ तो वो भी हमें एक प्लस पॉइंट हो गया कि वो कुछ चीज़ें जो वो जानना चाहती थी उनको पॉजिटिव इफेक्ट उसका देखने में आया। तो इस तरह से उनका एक तो हेडेक का जो प्रॉब्लम था वो बताती है कि बहुत पहले का था, उसमें भी आराम मिला, इस तरह से रिकवरी या रिलीफ मिला। और रेकी हीलिंग आप इस तरह से अपने लाइफ में कोई भी इंसान अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए, अपने फैमिली के भले के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। और जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने किसी भी पर्पज़ के लिए रेकी कर सकते हैं, यानी हेल्थ के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, तो वो भी एक हमारे लिए एडवांटेज है कि आप अपने लिए या दूसरों के भले के लिए रेकी हीलिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये रेकी हीलिंग अगर सीखते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, या अपने लिए लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि रेकी हीलिंग आपके भी किसी तरह से काम में आएगी, एस्ट्रोलॉजी काउंसलिंग भी आपके किसी तरह से काम आएगी, और आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।